नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फनटेक। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रिलायंस जियो के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि रिलायंस जियो का जो वेलकम ऑफ़र था, इसे हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र में बदल दिया गया है। और इसी के साथ जो 4GB की लिमिट दी जा रही थी, इसे भी बदल दिया गया है। यानी कि 1 जनवरी के बाद से रिलायंस के जितने भी यूजर्स हैं, उन सभी यूजर्स को पर डे 1GB की लिमिट दी जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जो 1GB की लिमिट है, इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप 1GB से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको अपना डाटा यूजेस दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ स्पीड मीटर पे। तो इस ऐप का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप वहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे 1.26 GB, यानी कि जो एक दिन का लिमिट होता है, मैं यहाँ पे क्रॉस कर चुका हूँ और अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। तो हालांकि आपको पता ही हुआ कि 1GB ख़त्म हो जाने के बाद जो स्पीड होती है वो 2GB चलती है, यानी कि 128 KBPS के अंदर आ जाती है। तो अभी मैं आपको कुछ यहाँ से डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से कुछ एप्लीकेशन, इस गेम को ही डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि जो मेरी स्पीड है वो कम हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पीड है वो तो काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है, यानी कि 1GB ख़त्म हो जाने के बाद भी जो मेरी स्पीड है वो कम नहीं हुई है। तो अभी मैं आपको और भी कुछ डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ और इसके बाद मैं आपको एक स्पीड टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको पहले क्लोज कर देते हैं। तो चलिए इसे पहले बैक कर देते हैं और आपको ले जाते हैं UC पे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही एक पेज खोल रखा था, एक वीडियो का लिंक है, तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि जो स्पीड है वो कितनी आ रही है। तो चलिए पहले इसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ऑप्शन डाउनलोड, और देखते हैं कि जो स्पीड है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पीड है वो काफ़ी 300, 400, 500 KBPS तक आ रही है, यानी कि जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर है। तो चलिए अब इसे बैक कर देते हैं। तो इसे बैक करने के बाद मैं आपको अभी ले जाऊँगा ओकला स्पीड टेस्ट में और आपको दिखाऊँगा कि जो मेरी स्पीड है वो स्पीड टेस्ट में कितनी दिखा रही है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं, बिगिन टेस्ट, और देखते हैं कि जो स्पीड है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी स्पीड है वो लगभग 3 से 4 MBPS तक दिखा रही है, जो डाउनलोडिंग स्पीड है। और यहाँ पे देख सकते हैं 6 MBPS तक पहुँच, यानी कि 5, 6, 7 MB, यानी कि 8 MB दिखा रही है जो मेरी डाउनलोडिंग स्पीड है, वो भी मेरी 1GB ख़त्म हो जाने के बाद। और यहाँ पे जो अपलोड स्पीड है वो है लगभग 4 MBPS तक, 5 MBPS। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो 1GB का लिमिट था वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद जो मेरा जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर है। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो पहले आपको अपने फ़ोन से MyJio ऐप को अनइंस्टॉल करना है और इसके बाद डाटा यूजर्स को चेक करते रहना है। तो इसके लिए आप इंटरनेट स्पीड मीटर डाउनलोड करके मॉनिटर कर सकते हैं, और जब आपका डाटा 1GB कंप्लीट हो जाए तो तुरंत अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल लीजिए और इसके 2 मिनट के बाद इसे फ्लाइट मोड को ऑफ़ कर दीजिए, और उसके बाद आप अपने इंटरनेट को कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने इसे अपने 2 फ़ोन पर ट्राई किया था और इस दोनों ही फ़ोन पर ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका फ़ोन 4 दिसंबर के बाद ली गई हो तो शायद ये ट्रिक वर्क ना करे, क्योंकि 4 दिसंबर के बाद जितने भी सिम्स आ रही थी उन सारे सिम में ऑलरेडी हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र एक्टिवेट कर दी गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये कोई हैक नहीं है, ये एक बग रह गया है और इसीलिए ये चल रहा है, और ये जब तक फिक्स ना हो जाए तब तक आप इसका मजा ले सकते हैं। और मेरा जो सिम है वो जियो प्रीव्यू ऑफ़र वाला सिम है और ये इसमें ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर से एक लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो पहले आपको अपने फ़ोन से MyJio ऐप को अनइंस्टॉल करना है और इसके बाद डाटा यूजर्स को चेक करते रहना है। तो